हेलो बच्चों। तो बच्चों अपन ने फंक्शंस का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं बच्चों, और उस पहले लेक्चर में अपन ने फंक्शन के प्रकार और उसके अंदर बच्चों बीजगणितीय फलन अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है मेरे भाई बच्चों। और उसमें अपन ने कांस्टेंट फलन, पहला जो फलन है कांस्टेंट फलन, वो अपन ने पढ़ चुके थे। ये किसके अंदर आता है बच्चों? बीजगणितीय फलन के अंदर आता है। कैसी पहचान होती है बीजगणितीय फलनों की? एक्स पे पावर एन। तो बच्चों जो पहला जो अपना पास था अचर फलन यानी कॉन्स्टेंट फलन, तो पहला अपन ने लिया था बीजगणित के अंदर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है बच्चों। कांस्टेंट फंक्शन में अपन ने बताया था, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, जैसे मान लो अपन ने बोला y इज इक्वल टू के, के कुछ भी हो सकता है, तो k बिलोंग्स टू r, ठीक है, धनात्मक ही हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ, तो k बिलोंग्स टू r। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ये तो x एक्सिस मान लिया और ये y एक्सिस मान लिया, तो k जो है वो k यदि धनात्मक हुआ तो फिर यहाँ आएगा, और ऋणात्मक हुआ तो फिर यहाँ आएगा। समझाए बच्चों? ठीक है, तो ये कब? इफ k इज पॉजिटिव, ठीक है, समझाए बच्चों। तो ये फिर इसका अपने बोला था प्रांत, बोलो इसका प्रांत क्या हुआ? प्रांत क्या होता है इसका? प्रांत होता है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। सब कुछ का मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत कुछ भी रह सकते हैं अपन। प्रांत परिसर जो होता है इसका, परिसर क्या होता है? खुद के क्या होता है इसका? परिसर होता है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखोगे, समझाए बच्चों। तो ये पहला अपने पास फलन था। अब दूसरा अपन लेंगे बच्चों, दूसरे जो अपन इसको बांटेंगे वो बांटेंगे रेखीय फलन। क्या बांटेंगे बच्चों इसको? रेखीय फलन, ठीक है, या लीनियर फंक्शन बोल लेते हैं इसको अपन। रेखीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। और समीकरण में क्या बोलेंगे इसको? रेखा का समीकरण। रेखीय फलन, लीनियर फंक्शन इंग्लिश में इसका नाम है। और बच्चों इसको अपन जब समीकरण के रूप में बोलते हैं तो इसे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का समीकरण बोलते हैं। कैसे देखना भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेखीय फलन जो होता है ये भी क्या होता है? बीजगणितीय फलन ही होता है, क्योंकि उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। या फिर एक्स की फॉर्म में देख लो। देखो बच्चों रेखीय फलन जो होगा वो आपको कैसे दिखेगा? वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, ऐसे y बराबर ए एक्स प्लस बी, यानी x पे घात कितनी है? यहाँ पे x पे घात कितनी है? एक। समझ आया बच्चों? देखो x पे घात एक, तो x पे घात n किसकी पहचान होती है? x पे घात n एलजेब्रिक फंक्शन की पहचान होती है, तो एलजेब्रिक फंक्शन हुआ ना बच्चों। और अब आप बोलोगे सर ए एक्स प्लस बी ऐसा होना ही जरूरी है क्या? नहीं, ये और कैसे कैसे दिख सकता है। देखो ये y बराबर बी होगा तब भी चलेगा। देखो मैंने बोला y बराबर बी, तो बोलो क्या ये रेखीय फलन होगा? बिल्कुल। ये अब ये कौन सा रेखीय फलन होगा? ये कांस्टेंट वाला होगा। देखो कांस्टेंट फंक्शन। अरे हाँ गुरुजी, ये तो सब एक जैसे ही बोल लेते हैं, इसको तो इसको ऐसे ही बोल लो, ऐसे ही बोल लो। हाँ बच्चों कैसे ही बोल लो, ठीक है, तो इसको कांस्टेंट भी बोल लो, रेखीय भी बोल लो, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा यदि मान लो मैं इसमें ये नहीं लिखूं, ये लिखूं केवल वाई बराबर ए एक्स लिखूं, तब बोलो तब ये कांस्टेंट निकलेगा, तब ये क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन। तो ये कांस्टेंट और लीनियर दोनों कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा। मतलब इसको मैं कैसे भी तोड़ सकता हूँ, ऐसे पूरा मिला के बोलो तो भी लीनियर है, ऐसे बोलो तो भी लीनियर है, ऐसे बोलो तो भी लीनियर है, अलग अलग। समझा बच्चों? फिर डिफरेंस क्या होगा? जब ऐसे होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो ए और बी मैंने मान लिया, माना, ठीक है बच्चों, ये शक्ल दिख गई ना, मतलब x पे घात क्या हो? x पे घात एक हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन लीनियर फंक्शन बोलते हैं। यदि x पे हाईएस्ट x की, मतलब हाईएस्ट x की पावर एक हो, तो हाईएस्ट x की पावर इसमें क्या है? एक। हाईएस्ट x की पावर इसमें क्या है? एक। इसमें हाईएस्ट x की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, लीनियर भी कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है बच्चों। अब माना ए एंड बी ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने a और b को क्या मान लिया? जीरो से बड़ा, यानी धनात्मक मान लिया। जब मैंने धनात्मक माना तो बच्चों इसका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? x की कुछ भी वैल्यू रखो हमेशा मान क्या आएगा? b आएगा। अब ये b कहाँ आए, कितना दूर है पता नहीं, बस धनात्मक है तो इसलिए ऊपर बना। इसको थोड़ा सा ये x एक्सिस दिखा दो, बोलो बच्चों समझ में आ गया? अब जैसे ही मैंने ग्राफ को छोड़ देना है ऐसे, तो इसका मैंने समझ जाओ ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, इधर से प्लस अनंत, इधर से माइनस अनंत। तो ये तो ग्राफ बन गया इसका। अब मुझे ग्राफ बनाना है इस वाले का, y बराबर ए एक्स प्लस बी।
बच्चों वाई बराबर एक्स प्लस बी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चीज देखो मैं आपको बताता हूं कि अपन ने खींचा ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। यहां पे कौन बैठेगा? यहां पे वो सभी नंबर बैठेंगे जो अपने फलन में बैठते हैं। तो यहां पे एक्स ये है ना, तो एक्स यहां से बैठाएंगे। तो क्या मैं यहां पे एक्स की वैल्यू सब कुछ बैठा सकता हूं? इसको कोई दिक्कत होगी? वाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होती है? पहली चीज तो ये समझ लो बच्चों, देखो दिक्कत कब होगी, एक्स की कौन सी वैल्यू पे फलन को दिक्कत होगी? ठीक है, एक्स की किस वैल्यू पर, एक्स की किस वैल्यू पर किस फलन को, ये भी लिख लेता हूं, एक्स की किस वैल्यू पर किस प्रकार से दिक्कत होगी, किस प्रकार से दिक्कत होगी। हालांकि ये मैं आपको वक्त के साथ साथ बताता, लेकिन चलो अब आप, मेरे को मालूम है आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें दिक्कत है कि नहीं है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें एक्स की सारी वैल्यू ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, तो अपन इसको क्लियर आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि एक्स की किस वैल्यू पर किस फलन को किस प्रकार से दिक्कत होगी, उसको चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला, मान लो मेरे पास कोई फलन है और वो ऐसे है अंश बटे हर में, वो किस में? अंश बटे हर में। ठीक है, मेरे पास कोई फलन है वो किस रूप में है? अंश बटे हर में। और एक मेरे पास फलन है वो किसके है? रूट के अंदर। किसके अंदर है? रूट के अंदर कोई फलन है मेरे पास। ठीक है, यहां कोई फलन है, और एक फलन किस में? अंश बटे हर में। और एक फलन मेरे पास किसके अंदर है? रूट के अंदर। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, क्या होगा कि यदि, अब मैं क्या करूंगा, जब ऐसा कोई फलन होगा, अंश बटे हर वाला कोई फलन होगा, ऐसा कोई फलन होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें अपन मेक श्योर, अपन अपने आप में श्योर होंगे कि कहीं हर की वैल्यू जीरो तो नहीं हो रही। यदि बच्चों हर की वैल्यू जीरो हो गई तो अंश कुछ भी हो उसमें जीरो का भाग लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? अनंत। क्या आंसर आ जाएगा? अनंत। अनंत नाम की कोई चीज है नहीं, तो उसके लिए अपन बोल देंगे कि एक्स की जिस वैल्यू के लिए इस टाइप में, इस प्रकार के फलन में क्या बोलेंगे कि एक्स की वे सभी वैल्यू जिनके लिए हर का मान शून्य हो जाए, जिनके लिए हर का मान शून्य हो जाए, वे सभी वैल्यू के लिए फलन दिक्कत करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस चार अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस के चार, ये लिखा। ठीक है बच्चों, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे एक्स माइनस दो एक्स प्लस चार, ये एक फलन है? बिल्कुल एक फलन है। कौन सा फलन है? बीजगणितीय फलन है। कैसे मालूम? एक्स की पावर आ रही है, एक्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है बच्चों, अब बीजगणितीय फलन में भी कैसा होगा, ये परिमेय और अपरिमेय फलन के टाइप का, तो वो अभी बाद की बात है। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमें तो ये देखना है कि किस वैल्यू के लिए फलन को दिक्कत है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, अंश बटे हर में किसको चेक करेंगे? हर को। मेक श्योर कि एक्स की वैल्यू के लिए पहले ये चेक करेंगे कि किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। तो देखो भाई, एक्स की वैल्यू दो रखेंगे तो ये जीरो हो गया भाई, दो माइनस दो जीरो, जीरो को इससे गुणा करेंगे जीरो, तो हर जीरो हो गया। तो हर जीरो होने का मतलब ये पूरा मान क्या हो जाएगा? अनंत। इसका मतलब एक्स की वैल्यू दो अपन नहीं रखेंगे। एक्स के लिए दो के लिए फलन को दिक्कत हो रही है ना, तो एक्स के लिए दो अपन रखेंगे ही नहीं, एक्स के लिए दो प्रांत में आएगी ही नहीं। समझाए बच्चों? फिर उसके बाद और देखो, और भी कोई वैल्यू है? हाँ, एक्स के लिए क्या है? माइनस चार। यदि एक्स के लिए माइनस चार रखोगे तो चार माइनस चार जीरो, तो हर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू माइनस चार भी मैं नहीं रख सकता, ये दो वैल्यू। फिर मैं क्या रख सकता हूं? अब मैं, मेरे पास होता है सब कुछ। पहले आप ये देखो कि सब कुछ में से वास्तविक संख्या जो है ना, सब कुछ माइनस अनंत से प्लस अनंत, उसके बीच में
ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए हर की वैल्यू जीरो हो रही हो? तो किसके लिए? दो और माइनस चार। तो उस सब कुछ में से दो और माइनस चार घटा दो, निकाल दो, बाकी जो सारे नंबर है वो सारे बैठाओ, वाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो वाई को दिक्कत कब होती है? जब यदि फलन अंश बटे हर टाइप में हो, और तब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हर जीरो हो रहा हो उसके लिए दिक्कत होती है। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या हो गया? रूट के अंदर फलन। रूट के अंदर फलन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक्स की वे सभी वैल्यू, अब देखो फलन मैंने इसके अंदर बैठा है और ये बराबर करके एक नया फलन है। चलो मैं आपसे मान लेता हूँ, इसको आप फलन नहीं बोलो, फलन तो बाहर वाला फलन भी है। रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन या कोई समीकरण है या कोई व्यंजक है। ठीक है, तो रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब अपन मेक श्योर क्या कि एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। तो एक्स की वे सभी वैल्यू जिसके लिए, देखो बच्चों रूट के अंदर माइनस अलाउ नहीं होता है। रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ये बात समझ लेना। रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक, इमेजिनेशन, काल्पनिक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे इस काल्पनिक को भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ठीक है, रूट के अंदर यदि माइनस नंबर मिल गया तो काल्पनिक हो जाएगा, तो वो काल्पनिक को अपन ग्राफ में नहीं दिखाते, उसके लिए फिर अलग ही ग्राफ लेते हैं अपन, ये वाला ग्राफ यूज में नहीं लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रियलिटी वाला ग्राफ होता है। अपन जब अपन इस समय अपने ऊपर लाइफ में ले, तो जैसे बच्चों मैं अपन डे टू डे लाइफ में अपन ये प्रैक्टिकल करते हैं, अपने साथ जो जो घटित होता है, जो वास्तविकता में हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपन ग्राफ बनाना लगे तो वो रियलिटी ग्राफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो अगस्त का है और सितंबर में कितने वीडियो लेक्चर देखे बच्चों ने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, तो मैं वास्तविक वाला लूंगा, वास्तव में उसने कब कब कितने कितने घंटे देखे, क्या क्या देखा, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे रखूंगा आउटपुट देखूंगा, एक्स एक्सिस पे रखूंगा आउटपुट देखूंगा, और एक ग्राफ बन जाएगा वास्तविक वाला। ठीक है, एक बच्चे का ग्राफ बन रहा है ऑटोमेटिक, हाँ उसने सोचा होगा, उसमें ऐसा पढ़ा होगा, उसने ऐसा पढ़ा होगा, उसने ऐसा पढ़ा, इमेजिनेशन करके ग्राफ बना रहे हो ना। तो इमेजिनेशन करके ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लेते हैं, फिर उसके लिए अलग आर्गन प्लेन लेते हैं, अलग प्रकार का प्लेन अपन उसके लिए लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि एक्स की किस वैल्यू पर किस फलन को किस प्रकार से दिक्कत होती है। ऐसा फलन जो अंश बटे हर में हो, तो हर में यदि हर का मान जीरो हो रहा हो एक्स की वो सही वैल्यू, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वो वैल्यू निकाल देंगे, वो वैल्यू रखेंगे नहीं। इसी प्रकार रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हो और वो चेक करेंगे कि कहीं एक्स की कुछ वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जीरो नेगेटिव तो नहीं आ रहा, यदि नेगेटिव आ गया तो फिर वो एक्स की वैल्यू नहीं रखेंगे, मतलब मेक श्योर रखेंगे कि एक्सप्रेशन हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, यदि नेगेटिव आ गया, एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया, तो फिर एक्स की जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है वो वैल्यू अपन रखेंगे नहीं, उस वैल्यू के लिए फलन को दिक्कत हो जाएगी, या अपन सीधे शब्द में बोलेंगे कि फलन का मान अपरिवर्तित हो जाएगा, फलन का मान क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। समझ आया बच्चों? लेकिन अपने पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये कैसा है, केवल अंश अंश में, तो एक्स की वैल्यू माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में कुछ भी रखो, यहां पे वाई का मान मिलता रहेगा। ऐसा तो नहीं वाई का मान अनंत मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं वाई का मान काल्पनिक मिल जाएगा। अरे वाई का मान काल्पनिक तो जब मिलेगा जब रूट लग रहा हो, अरे वाई का मान अनंत तो जब मिलेगा जब बटे में कुछ जीरो हो रहा हो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस वाले केस में तो एक्स की वैल्यू सब कुछ रख सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू सब कुछ रखेंगे, सब कुछ में एक को गुणा करेंगे सब कुछ आएगा, उस सब कुछ में प्लस जोड़ेंगे बी, अब ये बी और ए कैसा धनात्मक नंबर है, धनात्मक नंबर है, तो बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ जो है वो समझ में आया ना कैसे बनाना मुझे, तो ये आ गई ना ये बात, तो इसको लिख लो आप, इस चीज को लिख सकते हो आप। ठीक है, कब फलन को दिक्कत होती है, जब फलन अंश बटे हर की सकल में हो और हर जीरो हो रहा हो तब दिक्कत होगी, और फलन रूट के अंदर बैठा हो, मतलब रूट एक्सप्रेशन लिखा हो और एक्सप्रेशन क्या हो, जीरो से छोटा हो, नेगेटिव हो, तब दिक्कत होगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें सब कुछ बता सकते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप बहुत
चलिए बच्चों देखो, ये वाला ग्राफ जो है इसका अपन को बनाना है ग्राफ। तो मैंने एक्स एक्सिस पे सब वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल सारी वैल्यू रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है फलन को? क्योंकि फलन परिभाषित नहीं आ रहा है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सारी वैल्यू रखूंगा, इसका मतलब ग्राफ सब कुछ बनेगा। यहाँ रखूंगा तो ग्राफ बनेगा, यहाँ रखूंगा तो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों। और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है बच्चों? वाई एक्सिस होता है, ठीक है बच्चों। और ए और बी की वैल्यू धनात्मक है। अब बच्चों सब कुछ रख लिया, ये मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये वैल्यू क्या होती है? जीरो, ठीक है, ये मूल बिंदु होता है जीरो। अब मुझे बताओ बच्चों ये एक्स एक्सिस पे किसका मान जीरो होता है? एक्स एक्सिस पे बच्चों किसका मान जीरो होता है? वाई का मान जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे किसका मान जीरो होता है बच्चों? वाई का मान जीरो होता है। वाई एक्सिस पे किसका मान जीरो होता है बच्चों? एक्स का मान जीरो होता है। ये दो चीज आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस पे किसका मान जीरो? वाई का मान जीरो। और वाई एक्सिस पे किसका मान जीरो? एक्स का मान जीरो। चलो बच्चों मुझे चेक करना है कि जो ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा क्या वो एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? देखो मुझे क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है, इस वाले केस में हमेशा चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि क्या ग्राफ, क्या ग्राफ एक्स अक्ष को कट कर रहा है क्या? एक्स अक्ष को कट कर रहा है क्या, ये चीज चेक करूंगा। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहने का मतलब ये है कि वाई का मान जीरो, वाई का मान जीरो रखेंगे, किसका मान जीरो रखेंगे? वाई का मान जीरो रखेंगे। तो वाई का मान जीरो रखने पे एक्स की किस वैल्यू के लिए, यानी एक्स की किस वैल्यू के लिए ये पूरा मान जीरो, ये पूरा मान जीरो का मतलब वाई का मान जीरो हो रहा हो, समझे बच्चों? तो वो वैल्यू के लिए कट करेगा। क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? तो बिल्कुल, अपन क्या करेंगे, यदि कट कर रहा है तो क्या करेंगे, वाई का मान जीरो रख दो, ए एक्स प्लस बी, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? माइनस के बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? माइनस के बी अपॉन ए। और बी और ए कैसा लिया है मैंने? बी और ए धनात्मक लिया है, माना ए और बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही धनात्मक लिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। तो नेगेटिव बी अपॉन ए कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा, मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। जो ये नेगेटिव नंबर होते हैं ना यहाँ पे, अब बी अपॉन ए, देखो बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये पूरी वो पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से गुणा करो तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, और वो नेगेटिव कहाँ? यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ये, ठीक है जो, तो यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, वो रेखा जो होगी वो यहाँ पे कट करेगी। अब इसकी बात कर लो वाई एक्सिस पे, अब मुझे बात करना है क्या ग्राफ वाई एक्स को कट करेगा, क्या ग्राफ वाई अक्ष को कट करेगा, वाई अक्ष को कट करेगा, तो वाई अक्ष को कट करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वाई एक्स पे किसका मान जीरो होता है? एक्स का मान जीरो, तो एक्स का मान जीरो रख दो। तो एक्स का मान जब मैंने जीरो रखा, एक्स का मान जीरो रखा प्लस बी, ए को जीरो से गुणा किया तो कितना जाएगा? जीरो, और ये रहेगा बी, तो वाई बराबर कितना आ गया? बी आ गया। तो वाई बराबर बी, और बी कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो कहाँ पे? यहाँ पे आएगा कहीं, समझ आया बच्चों? तो जो ग्राफ होगा वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, और नाम से स्पष्ट है कैसा ग्राफ फलन है, ये रेखीय फलन, इसका मतलब सीधी लाइन खींचती है। कैसी लाइन खींचती है? सीधी लाइन। यहाँ रख लेना बच्चों, जब भी कुछ ऐसी शक्ल होगी वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर ए एक्स और वाई बराबर बी, हमेशा एक लाइन सीधी खींचेगी। इन सभी तीनों केसों में लाइन कैसे खींचेगी? सीधी। वक्र जो होगा ना फलन का वक्र, फलन का वक्र हमेशा कैसा खींचेगा? सीधा। देखो इसमें सीधा आया बिल्कुल, ठीक है, इसमें अब इसमें सीधा ऐसे आया है, ठीक है, जरूरी नहीं इन दोनों में सीधा ऐसा है, इन दोनों में सीधा कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, तो पहली चीज क्या याद रखना है आपको, यदि मान लो अपन को किसी फलन में एक्स की हाईएस्ट पावर एक ही दे रखी हो, केवल एक्स दे रखो, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा। अब सीधा बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? तो उसके लिए अपन ने दो बिंदु एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद दो बिंदु आ गए आपके पास, एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया। अब इन दोनों बिंदु को फुट्टे की सहायता से मिला देंगे, फुट्टे या स्केल की सहायता से, फुट्टा, ओ गुरुजी क्या शब्द बोला है, से मिला देंगे, तो ऐसी एक रेखा बनेगी और ये कहलाएगी इसका ग्राफ, और ये अनंत को ऐसे जाता रहेगा। तो ये रफली ग्राफ हो गया आइडिया, समझा बच्चों? इसको ऐसे बढ़ा देना,
ये आपके पास ग्राफ है। अब बच्चों यदि मैंने जब तक मैंने इसमें देखो कहीं भी मैंने इस पर स्टॉप नहीं किया ना इसको, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। ऐसी एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, चलो तो ये बनाने का तरीका समझा दिया मैंने आपको कि कैसे मुझे इसको बनाना है। वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में पहले ये चेक कर लेना है ए और बी कैसा है। ठीक है, तो ग्राफ इस प्रकार बनेगा। उसके लिए पहले एक्स एक्सिस पे निकाल लेना, फिर वाई एक्सिस पे निकाल लेना। चलो बच्चों तो इसको आप लिख लो थोड़ा सा के लिए, ये ग्राफ बना लो। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, वाई बराबर ए एक्स। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मेक श्योर क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? एक्स एक्सिस को कट करने के लिए वाई का मान क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। बराबर ए एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन बच्चों? वाई एक्सिस के लिए किसका मान जीरो रखेंगे? एक्स का मान जीरो रखेंगे, तो वाई का मान भी कितना आ गया? जीरो। ओ इसका मतलब ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही जीरो जीरो पे आ गए, तो दोनों ही जीरो जीरो पे आ गए, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ बनेगा वाई बराबर एक्स वो कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, मूल बिंदु से होके गुजरने वाला। अब इस मूल बिंदु से होके गुजरने वाले में भी देखो दो तरीके होंगे, वो दो तरीके कैसे होंगे तो वो उसके लिए आप सुनो ध्यान से। क्या बच्चों, मैंने ए की वैल्यू क्या मानी यहाँ पे? धनात्मक। ए क्या है? एक्स का गुणांक। यदि एक्स का गुणांक धनात्मक है, यदि एक्स का गुणांक क्या है? धनात्मक है, तो रेखा ऐसे बनेगी, तो रेखा हमेशा ऐसे आएगी यूं। ठीक है बच्चों, और यदि एक्स का मान क्या हो गया? ये नेगेटिव हो जाता, ये क्या हो जाता? नेगेटिव। तो फिर ग्राफ कैसे बनता? ऐसे। देखो मान लो मैंने इसको तो पॉजिटिव मान लिया, इसको क्या मान लिया? पॉजिटिव। और ए को क्या मान लिया? नेगेटिव। बच्चों जब ए को नेगेटिव माना, बी को पॉजिटिव माना, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ये एक्स यहां आके कहां आएगा? यहां आएगा। और आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना बच्चों, तो फिर ये यहां आ जाएगा। और उसके बाद बी यहां पे है, बी यहाँ पे ना, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। सुना है बच्चों? तो कट लगाना है। देखो आपको कट है ना, दो प्रकार से लगेगा। एक तो ऐसे कट लगेगा। ऐसे कट कब लगेगा? जब ए की वैल्यू धनात्मक हो। ए क्या है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक धनात्मक है तो कट फिर ऐसे लगेगा, समझ रहे हो आप? ऐसे, एक्स एक्स की दिशा से धनात्मक कोण बनाया गया। ठीक है बच्चों, यानी पूरक कोण बनेगा। पूरक कोण से पहले क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, तो वो बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि एक्स गुणांक क्या है? ए। ए यदि क्या है? नेगेटिव हो। ए यदि क्या है? नेगेटिव हो, तो फिर जो कट लगेगा वो कट कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे कट। जब ऐसे कट है, एक्स एक्सिस किधर है? इधर है। तो अब देखो ये कैसा एंगल बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। देखो 90 डिग्री से अधिक कोण बन गया ना, तो नेगेटिव आ जाता है। समझाए बच्चों? तो ये कट लगाना है, अभी इसको भी बता समझा देंगे। तो y बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, इसका मतलब इसका जो समीकरण बनेगा वो मूल बिंदु से भी गुजरेगा। अब कैसे गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा, तो वो कौन बताएगा? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? ए। कैसा लिया है मैंने? मैंने कैसे लिया है? धनात्मक लिया है, तो फिर ऐसे होगा। यदि ये ऋणात्मक होता तो फिर कैसे बनता? ऐसे बनता। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? चलो तो अब आप पहले y बराबर बी रेखीय फलन लिखोगे, y बराबर बी का ये लिख लिया, y बराबर ए एक्स प्लस बी का ऐसे लिख के ये ग्राफ बना दिया, और y बराबर ए एक्स का ये लिख के ऐसे बना दिया। और कट जो बनेगा उसके लिए मैं अभी नोट लगा के लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना लिख दिया, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी लिख दो। अब मैं इसमें लिख देता हूँ। देखो बच्चों, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मैं मेक श्योर मैंने पहले क्या कर लिया, प्रांत को श्योर कर लिया था कि प्रांत क्या आएगा, प्रांत सब कुछ आएगा। और फिर मैंने ये भी चेक कर लिया कि सब कुछ रखने पे वाई को कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वाई का मान भी क्या आएगा? सब कुछ आएगा। तो वो प्रांत परिसर निकाल तो लिया। कई बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी आपने तो हमको ये बताया था कि प्रांत परिसर की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, आपने तो किसी अलग ही सहायता से ग्राफ बना लिया। अरे नहीं बच्चों, यदि आपने ध्यान दिया हो ना, ध्यान दिया हो, तो मैंने पहले एक्स को मेक श्योर कर लिया कि एक्स क्या मैं सब कुछ रख सकता हूँ क्या। फिर मैंने चेक कर लिया कि x की वैल्यू सब कुछ रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो y की वैल्यू भी सब कुछ मिल रही है। सब कुछ का मतलब r मिल रहा है, तो ये r क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। देख लो ना, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाओ तो ग्राफ की वैल्यू कहां से कहां मिल रही है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक मिल रही है। अगली बात समझे? तो प्रांत क्या हो गया इसका? प्रांत सब कुछ हो गया, परिसर भी क्या हो गया? सब कुछ हो गया। ठीक है, किस वाले केस में? ये दोनों वाले केस में, इस वाले में नहीं, इसको तो इस कैटेगरी में डाल दो। तो इसलिए लीनियर फंक्शन यदि ऐसा और ऐसा होगा तो उसे अपन बोलेंगे लीनियर फंक्शन। ठीक है, और इनका प्रांत क्या होता है? प्रांत सब कुछ होता है, और परिसर भी क्या होता है? इनका सब कुछ होता है, परिसर भी क्या होता है?
सब कुछ होता है। ठीक है बच्चों, अब एग्जामिनर खेल सकता है आपके साथ। एग्जामिनर कैसे, मान लो प्रांत आर ना दे के आपको दे दिया प्रांत आर प्लस, तो प्रांत आर प्लस देगा इस वाले क्वेश्चन में, आर प्लस का मतलब जीरो भी नहीं देगा, तो फिर ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ये हट जाएगा। अभी उसने एग्जामिनर ने प्रांत को आपको आर ना दे के आर प्लस दिया है, तो फिर ग्राफ इसका इतना ही बनेगा केवल, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जीरो को भी शामिल नहीं कराया, आर प्लस में जीरो शामिल नहीं होता है। लेकिन मान लो वो R प्लस की जगह W दे दे, W का मतलब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो कैसे होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, तो फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हट जाएगा, फिर ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हट जाएगा बीच का, क्योंकि बीच का मान रखेंगे नहीं, जब बीच का मान रखेंगे नहीं तो ग्राफ बनेगा थोड़ी ऐसे, तो फिर ऐसे ग्राफ बनेगा, तीन पे ये हट जाएगा, तो ऐसे डॉट 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 ऐसे बनेगा। ठीक है, चो W ना देके उसने बोल दिया आर, ठीक है आर दे दिया और उसमें से आर माइनस घटा दिया, यानी ओवरऑल मैं बोल देता हूँ आर प्लस और शून्य भी शामिल कर लिया उसने, जीरो भी शामिल कर लिया, तो फिर उसका ग्राफ ऐसे बनेगा ऐसे। या फिर वो कभी कभी बोल देता है कि एक्स सी एल क्या हो, जीरो जीरो से बड़ा हो बस, कभी कभी वो ये भी बोल देता है क्या कि वाई बराबर एक्स प्लस बी दे दिया और फिर बोल देगा आपको कि एक्स सी एल क्या है, जीरो जीरो से बड़ी है, जीरो या जीरो से बड़ी है, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे बस, तो फिर उसका ग्राफ ये बनेगा, ये नहीं आएगा इधर वाला, ये बनेगा। ठीक है, अब ये किस में पढ़ते हो आप, ये पढ़ते हो आप फिजिक्स में, ये किस में पढ़ोगे आप बच्चों, फिजिक्स में ये सब चीजें। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या होगी, एक्स कहलाएगी भौतिक राशि, एक्स क्या कहलाएगी, भौतिक राशि उस वाले केस में। ठीक है बच्चों, एक चीज और समझ लेना, क्या एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या ऐसी वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बच्चों, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वैल्यू का मतलब होती है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू कुछ भी रखो उसके कोरस्पॉन्डिंग में, जब ही तो रख रहा है ना एग्जामिनर, देखो तो ये इंडिपेंडेंट है तभी तो वो खुद कुछ भी रखवा सकता है। ठीक है, अपन इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अपन मत रख देना समझ आया बच्चों, अपन जब बड़े हो जाएंगे, अपन जब पेपर बनाने लायक हो जाएंगे, फिर अपन इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया ना, स्वतंत्र राशि, कैसी राशि होती है, स्वतंत्र। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, यानी आश्रित चर राशि। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगा, आपसे हिलेंगे नहीं क्वेश्चन यदि ये बेसिक चीजें आपको नहीं आती हो। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स क्या होता है, भौतिक राशि होती है। अच्छा, भौतिक राशि रखने पर प्राप्त भी क्या होगा, भौतिक राशि होगा, लेकिन अपन कैसे पता लगाएंगे कौन सी भौतिक राशि एक्स एक्स पे आएगी, कौन सी भौतिक राशि वाई एक्स पे आएगी। ऐसी भौतिक राशि जो इंडिपेंडेंट होती हो वो तो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पे, और ऐसी भौतिक राशि जो इस वाली भौतिक राशि पे डिपेंडेंट होती हो उसे बोलेंगे अपन वाई एक्सिस पे। जैसे बदलो बच्चों, आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे तो मैकेनिक्स में तीन चार ही भौतिक राशि पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे आप विस्थापन या दूरी, एक पढ़ोगे आप वेग या चाल, और एक पढ़ोगे त्वरण, और एक पढ़ोगे समय। तो चार भौतिक राशि हो गई भाई, दूरी विस्थापन वेग वेग चाल त्वरण और समय, चार हो गई। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो मैंने बोला दूरी विस्थापन वेग चाल और त्वरण, ये तीनों ही राशि किसके ऊपर डिपेंड करती है, चौथी राशि समय के ऊपर। तो समय हमेशा क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, और फिर ये वाली राशि कहाँ आएगी, जो भी दूरी विस्थापन यहाँ आएगा, वेग चाल यहाँ आएगा, त्वरण यहाँ आएगा वाई एक्सिस पे, और फिर उनका ग्राफ, यदि जब आपके पास ग्राफ सीधा बन रहा हो तो देख लेना बच्चों, बहुत ग्राफ ही ग्राफ से खेलते हैं पूरी मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अपन तो मैथ की बात कर रहे थे, उतारा क्या था, उतारने के लिए क्या बोला था कि आपको लीनियर फंक्शन में ये बोलना है, बाय डिफॉल्ट वाई बराबर बी को भी अपन लीनियर फंक्शन बोलते हैं, लेकिन कैटेगरी में शामिल नहीं करते इतना। ठीक है, इसलिए अलग से मैंने बोला। तो वाई बराबर एक्स प्लस बी में ये लिख के ये ग्राफ बना दिया, वाई बराबर ए एक्स में ये लिख के ये ग्राफ बना दिया, और प्राण पैसे लिख दिया। अब मैं इसमें नोट लिखा देता हूँ कि ए की वैल्यू धनात्मक होगी, तो ऐसे ऐसे ऐसे, चलो चलिए बच्चों अब अपन नोट लिख लेते हैं इसमें क्या, एनओटी नोट, नोट में क्या लिखते हैं, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी में यदि एक्स का गुणांक, ऐसे लिखता हूं मैं ना, एक्स का गुणांक
एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स का गुणांक मतलब ए ग्रेटर देन जीरो है ना, एक्स का गुणांक क्या लिया मैंने, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब धनात्मक, ठीक है। और यदि एक्स का गुणांक, ऐसा नाम क्या है, ए लेस देन क्या हो, जीरो, ए लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और ए बराबर जीरो। अब कई बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो, सर ए बराबर जीरो, अबे पागल हो गया, ए बराबर जीरो तो फिर ये खत्म हो जाएगा ना, वाई बराबर भी कॉन्स्टेंट फलन हो गया, ठीक है। तो ये है, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो कट ऐसे बनेगा, ए लेस देन जीरो होगा तो कट ऐसे बनेगा। सबसे पहली चीज तो ये समझना है आपको, ठीक है। कट ऐसे या ऐसे, दो ही प्रकार से कट लगते हैं, और किसी प्रकार का कट नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बन गया, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। फिर सेकंड स्टेप, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया ये, आप चेक कर लेना। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, बी के ऊपर जो चेक करेंगे, अब हम अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म, इसे अपन बोलेंगे कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है। अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है भाई, ये तो बदलने वाली हो गई, क्योंकि एक्स के साथ आ गई तो बदलने वाली हो गई, प्लस करके बी। अब ये बी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा ना भाई, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, बी कॉन्स्टेंट है तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गई, बी। तो अब हम अचर पद पर विचार करेंगे, अचर पद पर विचार करेंगे। यदि क्या हुआ, यदि बच्चों बी की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, बी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, बी बराबर जीरो हुआ और बी लेस देन जीरो हुआ। देखो मैंने बी की वैल्यू, अब देखो अचर पद में जीरो भी हो सकता है, बी की वैल्यू धनात्मक ले ली, बी की वैल्यू जीरो ले ली, बी की वैल्यू नेगेटिव ले ली, तीन केस होंगे, ठीक है। अब ये तीनों केस इसमें फिट कर दो, तीनों केस इसमें फिट कर दो, कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में, अब मान लो मैंने क्या चेक किया, चारों बना लिया, ठीक है, पहला पहला ग्राफ बना दो। तो ग्राफ नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या लिया मैंने, ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ए की वैल्यू जीरो ले ली यहां से, तो ऐसे कट बनेगा, और उसमें बी की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। बच्चों कट कैसे बनेगा, ए ग्रेटर देन जीरो देखते कट कैसे बनेगा, ऐसे कट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लगा लेना बच्चों, वाई बराबर एक्स एक्स, बोला एक्स एक्सिस खींच देना, एक्स एक्सिस कहाँ खींचोगे, तो वाई एक्सिस कहाँ खींचोगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो देखो बच्चों बी की वैल्यू क्या है, धनात्मक है, बी की वैल्यू धनात्मक है तो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, बी की वैल्यू धनात्मक है ना, तो एक्स एक्सिस जब मैंने ये बनाया, मान लो एक्स एक्सिस ये बना दिया, कैसे बना दो आप एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, तो जो वाई एक्सिस होगा, अब वाई एक्सिस कहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा वाई एक्सिस की, यहाँ बनाऊंगा वाई एक्सिस की, यहाँ बनाऊंगा वाई एक्सिस, ये श्योर होना है। तो वाई एक्सिस कहाँ बनाऊंगा बच्चों, वहां बनाऊंगा जहां पे बी, मतलब वाई एक्सिस जो कट करेगा ना, वो इसको धनात्मक दिशा में कट करेगा, तो वाई एक्सिस कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, धनात्मक है, तो बी यहाँ कट कर गए ना, ये ग्राफ बन गया इसका। तो ग्राफ नंबर फर्स्ट, जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और बी की वैल्यू भी क्या हो, जीरो से बड़ी हो, केस नंबर फर्स्ट, ये रफली ग्राफ खींचा है। अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ वैल्यू क्या होगी, तो वो तो आप रख लेना, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो रख के चेक कर लेना कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लो, मैं एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ, मैं कई बच्चों से पता नहीं बोल्ड हो रहे होंगे, एक फलन ले लिया एफ एक्स बराबर, मैंने ले लिया एक्स प्लस के टू, ये ले लिया वाई बराबर, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एफ एक्स और गुरु जी एफ एक्स का लिख दिया, अरे मैंने पहले नोटेशन बता दिया, एफ एक्स मतलब वाई, एक्स पे घात क्या है ए, तो कैसा फलन है, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक में भी कौन सा फलन है, लीनियर फंक्शन, ओ वाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स का गुणांक देखो, एक्स का गुणांक क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो, वेरी गुड, और बी क्या है, दो, अरे ये भी ग्रेटर देन क्या है, जीरो, अरे वाह मजे आ गए, कैसे मजे आ गए, कि ए ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ऐसे बनेगा ना, ऐसे कट लगेगा, अरे हाँ, फिर एक्स एक्सिस बना दो, कहीं भी बना दो एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया एक्स एक्सिस, अरे हाँ, फिर उसके बाद वाई एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बोलो कहाँ बनाऊंगा, वाई एक्सिस बनाने के तीन तरीके, या तो यहाँ बनाने का, या फिर इस पे बनाने का, या फिर इस पे बनाने का, तो यदि वो धनात्मक है, दो कैसा है, धनात्मक है, तो यहाँ बनेगा, ये हो गया वाई एक्सिस।
और ये जहां कट कर रहा है ये वैल्यू हो गई 2y = 2। तो ये वैल्यू कितनी होगी? अब ये वैल्यू निकालने के लिए बोलो एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे किसका मान जीरो होता है? वाई का मान जीरो। तो वाई का मान जीरो रखो, वाई का मान जीरो रखोगे तो 0 = x + 2। तो एक्स इधर जाएगा 2, तो -2, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी रहेगी? -2 जाएगी। समझ आया बच्चों? तो ये ग्राफ बन गया, ये लो, ये किसका ग्राफ बना? एक्स प्लस के 2 का। समझ आया बच्चों? तो कोई दिक्कत है क्या? तो इसको उतारो फटाफट जल्दी, नोट में ये लिख लो, ठीक है। और उसमें केस नंबर 1, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब पहले मैं इसको उठा के ये ले लिया, फिर दूसरा केस इसको उठा के ये लूंगा, फिर तीसरा केस इसको उठा के ये लूंगा। समझ आया बच्चों? फिर उसके बाद चौथा केस इसको उठा के ये, पांचवा केस इसको उठा के ये, छठा केस इसको उठा के ये, बस 6 के अलावा फिर कोई ग्राफ आपके बनेंगे नहीं। ये आ गई बात समझ में, ठीक है बच्चों। अच्छा कहीं कहीं जो होता है बच्चों, ये जो एक्स का गुणांक होता है ना, ये एक्स का गुणांक, इसी को अपन बोलते हैं रेखा की ढाल। एक्स का गुणांक को अपन क्या बोलते हैं? रेखा की ढाल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन रेखा की ढाल। ये गणित फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ मैं अभी आपको, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल का मतलब कितनी उसमें ढाल आ रही है, और ढाल को अपन बोलते हैं अवकलन। तो ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और अभी लिखते चलना बस, इसको तो आप लिख लेना, जब आपको सर पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, मैकेनिक्स में सर ने बता देता ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं कर रहा, नहीं तो पूरी फिजिक्स हो जाएगी। रेखा की ढाल, ठीक है। और इस रेखा की ढाल को, ढाल जो होता है, ढाल शब्द क्या होता है? अवकलन। ढाल शब्द क्या होता है? अवकलन। तो जितनी ज्यादा ढाल होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका अवकलन होगा, ठीक है। पहली चीज तो रेखा की ढाल मतलब अवकलन होता है। फिर दूसरी चीज एक्स गुणांक, यानी जो ए है ये ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बता दोगे बच्चों ये ढाल, ढाल कैसी है? धनात्मक। तो यहाँ पे ढाल धनात्मक है, और ये ढाल, ढाल कैसी है? ऋणात्मक। तो ढाल कैसी है? ऋणात्मक, यानी ऐसे आएगा। तो जब ये ढाल का कॉन्सेप्ट होता है धनात्मक है तो ऐसे, ऋणात्मक है तो ऐसे, ठीक है बच्चों। और इसको ढाल का मतलब अवकलन होता है, और इस अवकलन को अपन m बराबर कैसे दिखाते हैं? tan थीटा से। यानी m, यहाँ पे m क्या है? a। यहाँ पे m क्या है? a। तो a बराबर tan थीटा, ठीक है। ये सब चीजें तो ये लिख लेना, पहला केस लिखो जल्दी से फटाफट बच्चों, फिजिक्स में भी काम आने वाली चीजें है बच्चों, कहाँ काम आती है। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा चलो लास्ट में, नहीं पढ़ा होगा आपने, चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे केस नंबर 2 की। तो आप बता सकते हो ना इसकी ढाल क्या होगी? इसकी ढाल क्या है? धनात्मक है। इसकी ढाल क्या है? धनात्मक है, बस। जो केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब देखो बच्चों मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे में लिख दूंगा ना फटाफट फटाफट। केस नंबर 2 क्या ले लिया मैंने? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और बी की वैल्यू क्या ले ली? बराबर 0। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ ये ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस का ये बना लो, ये एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस बनाना, तो वाई एक्सिस कैसे बनाओगे? यहाँ से बनाओगे, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा और ढाल इसकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है बच्चों। फिर केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या ले लिया? ए ग्रेटर देन 0 है ना, और बी लेस देन 0। अब बी लेस देन 0 ले लिया, तो बच्चों ए ग्रेटर देन 0 मतलब रेखा ऐसे बनेगी, एक्स एक्सिस का ही भी बना लो, ये एक्स एक्सिस बना लिया मैंने। अब वाई बनाना है, वाई एक्सिस यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ? तो वाई एक्सिस अब यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अब ये नीचे की तरफ काट रहा है। समझ में आया बच्चों? बी लेस देन 0 इसलिए। फिर केस नंबर 4, केस नंबर 4 में अब क्या ले लिया मैंने? ए लेस देन 0 ले लिया, अब ढाल नेगेटिव ले ली और बी ग्रेटर देन पॉजिटिव। अचर पद क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव ले। अचर पद का मतलब होता है, अचर पद का मतलब होता है कि वाई अक्ष को कहाँ कट करेगा, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को कहाँ कट करेगा, वाई अक्ष को कहाँ कट करेगा, ठीक है। वाई अक्ष को कहाँ कट करेगा वो दिखाएगा अचर पद, ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद क्या है? धनात्मक है, इसका मतलब ऊपर कट करेगा। ए लेस देन 0 का मतलब ढाल है, ढाल कैसी है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो ढाल ऋणात्मक है, तो अब ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास ये बताओ ये ढाल क्या है इस समय, मतलब अचर पद क्या है? पॉजिटिव है, बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ बनेगा ना ऐसे, ये बनेगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है मेरे पे बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई ना, देखो बी के लिए क्या है? धनात्मक है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसी प्रकार केस नंबर 5 की बात कर लेंगे अपन बच्चों। तो केस नंबर 5 की बात करेंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में क्या होगा बच्चों? ए की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है, और बी की वैल्यू क्या माननी पड़ने बच्चों? बी की वैल्यू बराबर 0 मानी, तो बी की वैल्यू बराबर 0, ठीक है बच्चों।
तो ए लेस देन जीरो का मतलब है ढाल ऐसे बनेगी, एक्स एक्सिस यहाँ बना लिया, अब वाई एक्सिस का बना नहीं, तो बी बराबर जीरो का मतलब ये है कि वाई एक्सिस यहाँ बनेगा, तो ये इसके ग्राफ बन गया। एक एक एग्जाम्पल आप खुद लेके चलो बच्चों, कुछ भी ले लो ठीक है, एक्स ले लो 2, 10, 20, आप बोलो सर एक्स गुणांक मैंने एक बार 2 लिया, एक्स गुणांक एक बार 4 लिया, तो क्या डिफरेंस आएगा? कुछ डिफरेंस नहीं आता, कच्चा चित्र ऐसे बनेगा, बस डिफरेंस आएगा मोटे पतले का, कौन कितना ज्यादा टिल्टेड होगा कौन कितना ज्यादा टिल्टेड नहीं होगा। तो वो तो आप पॉइंट्स की वैल्यू निकाल के चेक कर लेना। केस नंबर 5 होगा। केस नंबर 6 की बात कर लेंगे। केस नंबर 6 में ए लेस देन 0 और बी लेस देन 0, तो ए लेस देन 0 ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस ये बन गया, तो अब वाई एक्सिस कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस यहाँ बनेगा, तो ये हो गया। समझ आए बच्चों? तो इस प्रकार आपके पास ये 6 के 6 केस बन गए। तो ये हो गया आपके पास लीनियर फंक्शन। अपन को क्या याद रखना है? लीनियर फंक्शन जो होता है उसका प्राण सब कुछ होता है, परिसर भी उसका सब कुछ होता है। ये आधी रात को 12 बजे भी आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे बोलेगा कि ग्राफ किस प्रकार बनेंगे, 2 ही कट लगेंगे, एक तो ऐसे लगेगा एक कैसे लगेगा। फिर क्या बोलेंगे, अच्छा लेकिन केस तो 6 होते हैं दिखने में, अभी उसमें क्या है, उसमें अचर पद को देख लेना भाई, कट तो यही लगेगा। अब अचर पद को देख ले, अचर पद धनात्मक है तो कट कहाँ लग जाएगा? वाई एक्सिस कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अचर पद 0 है यानी वाई मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से ओके वाई एक्स को गुजार दो, जहाँ से एक्स कट कर रहा है कहाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक क्लियर, ये रहा और ये रहा, देख लो दोनों। बी का मान 0, 0 तो मूल बिंदु से हो गया, और ए ग्रेटर देन 0 तो ऐसे, ए लेस देन 0 तो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके पास लीनियर फंक्शंस के नोट्स, सब कुछ जो आपको समझाना था। चलो बच्चों ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसका, द्विघात फलन का, है पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखो फलन के, तो तीसरा मतलब तीसरा आता है एलजेब्रिक के अंदर ही, कौन सा? द्विघात फलन, द्विघात समीकरण नहीं बोल रहा बच्चों, मैं फलन बोल रहा हूँ, एक चीज याद रख लेना बस, है ना। समीकरण नहीं बोल रहा, फलन बोल रहा हूँ। समीकरण बोलते हैं जब वाई का मान 0 होता है। समीकरण जब भी किसी भी समीकरण जब मैं बोलूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि उस फलन में वाई का मान 0 रख के एक्स का मान प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और फलन बोलने का मतलब ये है कि वाई का मान 0 नहीं रख रहे अपन, अब वाई का मान क्या क्या आएगा, एक्स के किस किस मान के लिए वो रखेंगे। तो बच्चों द्विघात फलन जो होता है, सकल कैसे होती है इसकी, तो एफ एक्स यानी वाई बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब इसमें क्या है देखो बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है। उस वाले केस में हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1। तो हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो कहलाएगा लीनियर फंक्शन, और हाईएस्ट पावर यदि 2 होगी तो वो कहलाएगा बच्चों क्या? द्विघात फलन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अपन समीकरण कब बोलेंगे? इसको समीकरण कब बोलेंगे? जब वाई की वैल्यू क्या हो बच्चों? 0 हो। तो मैं ला लो वाई की वैल्यू 0 होगी तब उसको अपन क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। अब वाई की वैल्यू 0 नहीं रख रहे अपन, ठीक है, अपन तो ये चेक करें कि वाई की वैल्यू क्या क्या प्राप्त होगी एक्स की किस किस वैल्यू के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो द्विघात फलन है, इसका मुझे बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है मुझे? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं मेक श्योर होगा किसका प्रांत क्या होगा। प्रांत क्या होता है बच्चों? एक्स की वी सभी वैल्यू जिसके लिए इस फलन का मान क्या हो? परिभाषित हो, ठीक है। तो अपन अब चेक कर, अपन उल्टा चेक करेंगे बच्चों, अपन ये ढूंढेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई का मान क्या आ रहा हो? अपरिभाषित आ रहा। तो बच्चों देखो, ये मैंने बोल दिया था आपको, ये पूरा टर्म किस में आ रहा है? अंश में आ रहा है। यदि अंश बटे हर ऐसा कुछ रूप बनता हो या रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिखता हो, तब उस वाले केस में दिक्कत आती है। इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सएल सब कुछ रखो, वाई का मान कभी अनंत नहीं आएगा या वाई का मान काल्पनिक नहीं आएगा। तो इसका मतलब प्रांत इसमें क्या हो गया? प्रांत इसमें हो गया सब कुछ, सब कुछ रख सकते हैं अपन। आर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जो भी वैल्यू है वो सब वैल्यू मैं रख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब ये सारी वैल्यू रखूंगा तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। अब वाई की वैल्यू मिलेगी क्या वो अपन को चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी उसको अपन को नहीं याद रखना, अपन को एक चीज याद रखनी है अभी के लिए, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक जब अपन पढ़ाएंगे तब अपन इस चीज को बता देंगे। अभी क्या याद रखना है कि इस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वाई की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? तो y की जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों उसको अपन कैसे चेक करेंगे? तो देखो y की मिनिमम वैल्यू जो होती है बच्चों इसकी, वो होगी माइनस के डी अपॉन 4a, माइनस के डी अपॉन 4a, ये होती है y की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू
टू एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के दो, ये मैंने ले लिया। अब मुझे ये चेक करना है प्रांत तो क्या हो गया इसका, सब कुछ हो गया, प्रांत तो क्या हो गया इसका, सब कुछ हो गया, ठीक है बच्चों। अब मुझे परिसर के लिए सबसे पहले मुझे ये करना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, माइनस के डी अपॉन फोर ए, ठीक है बच्चों। तो माइनस के डी अपॉन फोर ए क्या होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, माइनस के डी अपॉन फोर ए क्या होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो अब देखो डी क्या होता है, माइनस डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए से विभक्त कर, ये जानते हो आप है ना, अपॉन फोर ए, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू रखो माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है बच्चों, बी होता है एक्स गुणांक, एक्स गुणांक कितना है माइनस के चार, तो माइनस के चार का स्क्वायर, फिर माइनस फोर। ए क्या है बच्चों, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दो। सी सी क्या है बच्चों, सी होता है अचर पद दो अपॉन फोर ए, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक यानी दो, ठीक है बच्चों। तो कितना जाएगा ये कैलकुलेशन करो, तो माइनस लगा दो उसके बाद चार माइनस चार सोलह, चार चौक सोलह, माइनस ये कहना है बताओ दो दो चार और चार चौक सोलह, तो बच्चों ये तो सोलह हो गया अपॉन चार दुनी का आठ, तो ये तो जीरो हो गया बच्चों, सोलह में सोलह जीरो, तो कितना हो गया जीरो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, जीरो हो गई। तो अपन को ये मालूम चल गया क्या कि ये वाला जो ग्राफ है इसकी वाई की जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू बच्चों इसकी जीरो होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। अब इस चीज में मैक्सिमम वैल्यू में देखो, हालांकि ये शब्द मैंने बोला तो गलत है, मैथमेटिकली गलत है, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये मैक्सिमम वैल्यू जाती है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम भी होती है। अब दिक्कत क्या करेगी कि मैक्सिमम कब कहलाएगी, मैक्सिमम कब कहलाएगी, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव हो, क्या हो नेगेटिव हो, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव हो तो फिर ये वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी, और मिनिमम कब कहलाएगी, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो धनात्मक हो, तब ये वैल्यू क्या कहलाएगी, तब ये वैल्यू कहलाएगी मिनिमम, तब ये वैल्यू क्या कहलाएगी मिनिमम। अब इस वाले जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में बोलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी दो कैसा है धनात्मक है, दो कैसा होता है धनात्मक होता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या कहलाएगी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अनंत, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत, तो इसकी रेंज क्या जाएगी, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए रेंज हो जाएगी परिसर इज इक्वल टू जीरो से लेके अनंत, तो ये हो गई इसकी रेंज, तो इसकी रेंज क्या हो गई जीरो से लेके अनंत, समझ आ गया बच्चों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है अनंत होती है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू यदि होती है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस अनंत होती है, फिर मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस अनंत होती है, समझ आया बच्चों। तो इसमें से जो वैल्यू है यदि मैक्सिमम मिली तो मिनिमम माइनस अनंत होगी, मिनिमम मिली तो मैक्सिमम प्लस अनंत होगी, इस चीज को आपको भेजे में बैठा लेना है, ठीक है बच्चों। तो याद करना है वाई की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है माइनस के d अपॉन फोर ए, ठीक है। मिनिमम कब बोलेंगे, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन ने क्या ले रखा है इसमें a, तो a ग्रेटर देन जीरो हो तब तो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कब होगा जब a लेस देन जीरो, तब ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन का यदि हम मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बन जाएगा, तो वो चीजें भी अपन बताएंगे, चलो छोड़ो अभी तो आप ये चीज याद रख लो, ठीक है। माइनस डी अपन ए पटा लिख लो, क्या लिखना है अभी आपको, वाई बराबर ए एक्स उसका प्लस बी एक्स प्लस सी प्रांत, सब कुछ याद क्या रखोगे, वाई की मिनिमम और वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ठीक है, लिख लिया। अब देखो परिसर लिखना है मुझे, क्या लिखना है मुझे परिसर, ये लिख लिया, ये भी लिख लेना, ऐसे समझने के लिए बताया था, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मत लिखना, जो भी आपकी इच्छा वो लिख लेना। देखो अब मुझे लिखना है परिसर, याद रखना बच्चों परिसर कैसे लिखूंगा, मुझे लिखना है क्या परिसर, तो परिसर लिखना है मुझे, तो परिसर दो प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे, यदि
ऐसे, यदि ए का मान जीरो से बड़ा हो, यदि ए का मान जीरो से बड़ा हो, ए का मान जीरो से बड़ा है तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और हमेशा याद रखना बच्चों, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर अधिक वैल्यू लिखते हैं अंतराल में जब लिखते हैं ना। तो ए का मान क्या है, जीरो से बड़ा, यदि ए का मान जीरो से बड़ा है तो फिर वाई की क्या कहलाएगी, ये मिनिमम वैल्यू। तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस के डी अपॉन फोर ए। तो माइनस के डी अपॉन फोर ए मिनिमम वैल्यू पहले लिखती है अंतराल के रूप में। जब भी अपन अंतराल के रूप में किसी समुच्चय को अंतराल के रूप में लिख देते हैं तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे उसके बाद बड़ी वैल्यू लिखेंगे, और बड़ी वैल्यू क्या जाएगी, अनंत, अनंत पे ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गई इसकी रेंज, समझ आया बच्चों। फिर यदि ए की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो, ए की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो, तो ए की वैल्यू हम नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर ये वैल्यू क्या कराएगी, मैक्सिमम। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है तो मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस अनंत। तो माइनस अनंत पे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ जाएगा माइनस के डी अपॉन फोर ए, और इसमें जाएगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि इस वाले केस में, इस वाले फलन में प्राण सब कुछ होता है, याद ये रखना है। अब परिसर क्या होगा, यदि एक वैल्यू धनात्मक है तो ये हो जाएगा, एक वैल्यू ऋणात्मक है तो फिर ये हो जाएगा परिसर। ठीक है, अब बनाएंगे इसका ग्राफ, अब इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो बच्चों, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए क्या याद रखेंगे बच्चों, ग्राफ के लिए यही ए चेक करेंगे। देखो ग्राफ के लिए भी यही बना देता हूँ मैं बच्चों, ग्राफ भी ना। अब बच्चों देखो, ए की वैल्यू धनात्मक है तो ग्राफ बनेगा पानी बढ़ता हुआ। ठीक है, ए की वैल्यू ऋणात्मक है तो ग्राफ बनेगा पानी डूलता हुआ परवल है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें अपन को क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है। तो बच्चों इसमें लोएस्ट वैल्यू तो अपन को पता है कि माइनस के डी अपन फोर ए लोएस्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ भी माइनस के डी अपन फोर ए लोएस्ट वैल्यू होगी। तो ये अपन चेक कर लेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। अब अपन ने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें माइनस के डी अपॉन फोर ए क्या रहा था, जीरो आ रहा था, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो है, तो जीरो तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, तो जीरो पे वाई एक्सिस, जीरो पे एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना, जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया उसका ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है बच्चों, मान लो यदि उसमें लोएस्ट वैल्यू और कुछ आ जाती, माइनस डी अपॉन फोर ए की वैल्यू मान लो माइनस के पांच आ जाती, मान लो सपोज जाती माइनस के पांच। ठीक है, तो ऐसे बनाया और ये वैल्यू आ जाती है माइनस के पांच, माइनस के पांच कहाँ आती है, माइनस के पांच के बाद फिर मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स वाली वैल्यू, फिर मुझे चेक क्या करना पड़ेगा, एक्स वाली वैल्यू के लिए चेक कैसे करेंगे, एक्स वाली वैल्यू के लिए चेक करेंगे बच्चों माइनस के बी अपॉन टू ए से। तो आप ये लिख ही लो, क्या लिख लो कि चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो इसका ये वाला पॉइंट तो कहलाएगा लोएस्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहलाएगा हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं वर्टिसेस या हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे माइनस के बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस के डी अपॉन फोर ए, इसको और याद रख लेना बस आप। माइनस के डी अपॉन फोर ए तो बता ही दिया वाई का मान होता है, तो वाई एक्सिस को दिखाएगा, माइनस के बी अपॉन टू ए किसका मान होगा, एक्स एक्सिस को। मान लो तो ये वैल्यू आ जाती मान लो दो, ये वैल्यू आ जाती मान लो माइनस पांच, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, दो कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस दो धनात्मक दिशा में, ठीक है, और ये माइनस के पांच दिशा में, तो एक्स एक्सिस यहाँ आएगा ना, ये ऐसे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस यहाँ आ गया, माइनस के दो माइनस के पांच यहाँ मिलेगा और दो यहाँ मिलेगा, तो ग्राफ कुछ तरह का ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, तो आओ अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप दीगर फलन में ये लिख लेना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।